में मर गई सफेद कोट वालों की इंसानियत। साल भर से बच्चे के लिए तड़पती रही मां, चंद रुपयों की खातिर बेच दिया बच्चा, धरती के भगवान बन गए शैतान। 9 महीने कोख में रखने के बाद वो मां बनी थी, उसके घर में खुशियां आई थी, वो ऊपर वाले का धन्यवाद कर रही थी। फिर उसने सफेद कोट पहने धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का धन्यवाद किया। लेकिन इस बेबस मां को क्या पता था कि जब सफेद कोट में उसे भगवान दिखते हैं वो ही कुछ देर बाद शैतान बन जाएंगे। महज चंद रुपयों की खातिर उसके बच्चे को गिरवी रख लेंगे, वो भी 1 साल के, उसके साथ मारपीट करेंगे और बच्चे को बेच देंगे। मेरे पे लड़का हुआ था ऑपरेशन से, उसे नर्सिंग होम में, तो माँ का भी लमार पे फूका नहीं, ज़्यादा खर्चा बढ़ा देना, 40,000 का हमारा, 40,000 में हमने कुछ थोड़े थोड़े कर का पैसे भी दिए उन्हें, 30,000 तो हमने माँ दे दिए, तो अभी हम 10,000 पे ले गए उनके, तो उन्होंने मार पिटाई करी हमारे साथ, उन्हें कह लगी जा चली जा यहाँ से निकल कर, हमने तो तेरा बच्चा बेच दिया और जो तो जा करना कर ले। अब तुम क्या चाहते हो? जी हमें अपना बच्चा चाहिए। साल भर हो गए जी उन्हें हम परेशान कर रखे, कभी आ दे देंगे कभी कल दे देंगे। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना बागपत की है। दरअसल 40,000 रुपए का बिल ना जमा करने पर डॉक्टर ने परिजनों को बच्चा देने से इनकार कर दिया। चंद हजार रुपयों की खातिर 1 साल से बच्चा डॉक्टर के पास है और मां दर दर भटक रही है। अब परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। उनका आरोप है कि डॉक्टर ने उसके बच्चे को बेच दिया है। माँ किसी तरह पैसा इकट्ठा कर बच्चा लेने पहुंची तो डॉक्टर ने उसे भगा दिया। डॉक्टर ने बच्चा देने से इनकार कर दिया। शक है कि उन्होंने उसके बच्चे को बेच दिया है, जिसकी शिकायत दंपति ने पुलिस से की है। हालांकि पुलिस की माने तो मामला संज्ञान में आया है। पूछताछ में डॉक्टर द्वारा दंपति की मर्जी से बच्चा बेचे जाने की बात कही गई है। नहीं, ये प्रकरण हम लोग संज्ञान में है, वर्ष 2018 का मैटर है। कोई यहाँ पे एक उषा नर्सिंग होम है, वहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ था उसको जो दंपति है, जो बच्चे के माता पिता, उनके द्वारा ही किसी को मुजफ्फरनगर में दे दिया गया। अब ये बात आ रही है संज्ञान में कि उन्होंने शायद बच्चे को बेच दिया, अगर ऐसा है तो गैर कानूनी काम है, अवैधानिक है। और इसमें से सही जो बड़ाओ थे इनको मैंने कल बताया था, इसकी जांच वो कर रहे हैं, बयानों की वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। अगर ये तथ्य पाए जाते हैं कि उन्होंने बच्चा बेचने का काम किया तो इसमें मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई होगी। कहते हैं कि बच्चे से सबसे पहला गहरा नाता माँ का होता है। वो माँ तब नहीं बनती जब बच्चे को जन्म देती है, बल्कि तब बनती है जब उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ऐसे में उस महिला के बारे में सोचिए जिसके नवजात को महज 40,000 रुपए के लिए सालों से गिरवी रखा गया है और उस बच्चे को उसकी माँ से दूर रखा जा रहा है।